नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अब तो चुनाव भी हो गए, विराम। तमाम जिम्मेदार राजनेता अपने अपने ठिकाने आ बैठे, विराम। लगातार कोशिशों के बावजूद देश में न तो ऑक्सीजन की कमी दूर हो पा रही और न ही संक्रमितों को दवा इंजेक्शन मिल पा रहे, विराम। सरकारों की नाकामियों से व्यथित जनता की उम्मीदों की आखिरी किरण न्यायपालिका भी खूब कोशिशें कर रही है, विराम। आधा दर्जन उच्च न्यायालयों सहित एवं सुप्रीम कोर्ट हर दिन कोरोना पर सरकारों को निर्देश दे उनकी पालना की समीक्षा भी कर रहा है, विराम। पैराचेंज। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भी दिल्ली और कर्नाटक से जुड़े ऑक्सीजन सप्लाई के 2 मामलों में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि हर हाल में कर्नाटक को 1200 MT और दिल्ली को 700 MT लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन रोज मिलनी ही चाहिए, विराम। कोर्ट ने सोलिसिटर जनरल के इन हताशा भरे शब्दों को भी अनसुना कर दिया कि हम उपलब्ध सारी ऑक्सीजन उच्च न्यायालयों के सुपुर्द कर देते हैं, वह बांट दें, विराम। उल्टे कोर्ट ने कहा कि हम उनसे आंख बंद करने को नहीं कह सकते, विराम। इलाहाबाद हाई कोर्ट का लॉकडाउन आदेश याद करें, विराम। राज्य ने उसे नहीं माना और यूपी की जनता हर गांव में कोरोना को भोग रही है, विराम। यही हाल दिल्ली का है, विराम। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कोर्ट और सख्त हो, विराम। सख्ती और सजा अपनी जगह है, जो आपराधिक लापरवाही करने वालों को दिखनी और मिलनी ही चाहिए, विराम। सबसे बड़ी जरूरत राहत की है और सबसे बड़ा जिम्मा केंद्र सरकार का है, विराम। उसे नौकरशाही के घेरे से निकलकर संबंधित पक्षों से चर्चा करनी चाहिए, विराम। चाहे विपक्ष हो या वैज्ञानिक, जनप्रतिनिधि हो या चिकित्सक या फिर दवा निर्माता कंपनियां, उन्हें मानना ही चाहिए कि अब तक जो हालात बने हैं वह इस घेरे की सलाह की वजह से ही, विराम। यह बात अच्छी तरह समझनी होगी कि आवाज को दबाकर सच नहीं दबाया जा सकता, जैसा कि लखनऊ में अस्पताल के मामले में हो रहा है, विराम। इसलिए अब सबके मन की सुने और न केवल इस लहर में और बड़े नुकसान से बचाव के उपायों पर अमल करें, बल्कि तीसरी और चौथी
लहर के डर से बचाव की भी पुख्ता रणनीति बनाने पर ध्यान दें। विराम, कमियां स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं, पर न्यायपालिका समेत सबकी सुनकर यदि देश को आगे कोरोना के कहर से बचाया जा सकता है तो सरकार को वह रास्ता बना संकोच और देरी के अख्तियार करना चाहिए। विराम, पैराचिन, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो लोग हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गए उनकी यादें उनके अपनों और देशवासियों के दिलों से कभी नहीं जाएंगी। विराम, लापरवाही किसी की भी हो वे उन्हें शायद ही माफ कर पाए। समाप्त।